हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज कक्षा 10वीं के लिए हिंदी मीडियम बच्चों के लिए प्रश्नावली 5.3 के तीसरे सवाल के कुछ भाग करने लेके आए हैं। इसमें हम आपको सिखाएंगे कि आपने एस एन का जो सूत्र है उसका कैसे प्रयोग करना है। आइए देखते हैं सूत्र। देखिए, हमने आपको पहले ही बता दिया कि प्रश्नावली पूरी 5.3 में एस एन का सूत्र लगेगा, मतलब पदों का योग। एस एन होता है एन बटे दो, दो ए जमा एन माइनस एक ब्रैकेट के बाहर डी। छठे भाग में हमें ए बराबर दो दिया है, डी आठ और एस एन 90 दिया है। हमें एन और ए एन का मान ज्ञात करना है। तो देखिए सूत्र में पता है एस एन की जगह एस एन का मान रख रहे हैं 90 बराबर एन जो है हमें ज्ञात करना है। तो एन बटे दो ब्रैकेट दो, ए का मान दिया हुआ है प्रश्न में दो, एन ज्ञात करना चाहते हैं और डी का मान है आठ। सभी मान हमने रख दिए। यहाँ पर देखिए क्या बनेगा, 90 बराबर एन बटा दो, ये होगा दो दूनी चार जमा, ये ब्रैकेट खोल दीजिए, आठ एन माइनस आठ हो जाएगा, ये आ गया। देखिए फिर से लिखेंगे 90 बराबर एन बटा दो, आठ एन माइनस आठ और जमा का चार माइनस का चार। इन दोनों में से दो कॉमन ले सकते हैं आप, जानबूझकर दो कॉमन ले रहे हैं क्योंकि ये हमें पता कट जाएगा बाद में। यहाँ बचेगा चार एन माइनस दो, दो चौके आठ, दो दूनी चार, तो ये दो से दो काट दिया हमने। 90 बराबर ये एन इन दोनों संख्याओं से गुना होगा, चार एन की दो माइनस दो एन, और ये 90 उधर जाके माइनस का बनेगा, तो ये एक द्विघात समीकरण बन जाएगी आपके पास, चार एन की दो माइनस दो एन माइनस 90 बराबर शून्य। इस द्विघात समीकरण के हमने गुणनखंड बनाने। उससे पहले देखिए ये तीनों संख्याएं जो है दो से भाग हो रही हैं, तो दो से भाग करने पर लिख देंगे, दो से भाग करने पर क्या प्राप्त होगा, यहां से मिलेगा दो एन स्क्वायर, यहां से माइनस एन माइनस 45 बराबर शून्य। ये द्विघात समीकरण बन गई जिसके हमें गुणनखंड करने हैं। देखिए इसको फिर से लिख रहे हैं, यहां पर दो एन की दो माइनस एन माइनस 45 बराबर शून्य। तो देखिए एन स्केयर का गुणांक दो है, अचर पद 45 है, तो दो गुना 45 90 आएगा। यहाँ पर एन का गुणांक एक है तो इसके गुणनखंड बनाने हैं। देखिए दो एन स्क्वायर माइनस एक को लिख सकते हैं, 90 के गुणनखंड बनेंगे 10 और 9, 10 निवा 90, तो 10 में से 9 घटा देंगे तो एक बचेगा, ब्रैकेट के बाहर एन माइनस 45 बराबर शून्य। अब आप इसको हल कर दीजिए, दो एन की दो माइनस दस एन, बाहर माइनस है अंदर माइनस है, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, नो एन माइनस 45 बराबर शून्य। पहले दो पद और आखिरी दो पद, देखिए इन दोनों में से पहले दो पदों में से दो एन कॉमन आएगा, एन माइनस पाँच बच गया, जमा आखिरी दो पदों में से नो कॉमन आएगा, एन माइनस पाँच बच गया। अभी देखिए एन माइनस पाँच एन माइनस पाँच सेम ब्रैकेट आ गई, मतलब हमारा प्रश्न ठीक चल रहा है। यहाँ से बचा दो एन जमा यहां से बचा 9 बराबर शून्य, तो दो गुणनखंड बन गए, दोनों को अलग अलग जीरो के बराबर रखेंगे, 2n जमा 9 बराबर शून्य, ये हो गया 2n बराबर माइनस 9, n बराबर माइनस 9 बटे 2। ये संभव नहीं है, क्यों संभव नहीं है, क्योंकि पदों की संख्या जो है वो एक तो ऋणात्मक नहीं हो सकती और दूसरा बटे में नहीं हो सकती, तो यहां से n बराबर 5 आ गया, यानी पदों की संख्या 5 आ गई। हमें an भी ज्ञात करने के लिए कहा गया था, ए एन का सूत्र आपको पता है, ए जमा एन माइनस एक बराबर डी, हमने 5.2 प्रश्नावली में इस्तेमाल किया था। तो ए का मान हमें गिवन था प्रश्न में दो जमा एन, हमने 5 निकाल लिया है, और डी का मान हमें दिया हुआ था प्रश्न में 8। आप इनके मान रख दीजिए, दो जमा 5 में से एक गए 4 गुना 8, तो दो जमा 8 चौके 32 और दो 34, तो ए एन का मान आ गया 34 जो हम निकालना चाह रहे थे, और एन का 5। देखिए सातवां भाग कर रहे हैं तीसरे प्रश्न का। हमें प्रथम पद ए दिया हुआ है 8, अंतिम पद ए एन 62 और पदों का योग एस एन 210 दिया हुआ है। हमें एन का और डी का मान ज्ञात करना है। तो देखिए जो एस एन है इसमें सूत्र हमने आपको पहले एस एन का जो बताया था वो था एन बटे दो, दो ए जमा एन माइनस एक ब्रैकेट के बाहर डी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हमें प्रश्न में अंतिम पद भी दिया हो यानी ए एन भी दिया हो तो एक और सूत्र है जो पदों के योग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एस एन के लिए ही, वो है एन बटे दो ए जमा ए एन। ये तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब ये ए एन अंतिम पद हमें दे रखा हो, याद रखना। तो देखिए एस एन के स्थान पे एस एन का मान रख रहे हैं 210 बराबर एन हमें ज्ञात करना है एन बटे दो,
ए हमें दिया हुआ है प्रश्न में 8 जमा ए एन भी दिया हुआ है 62, तो ये होगा 210 बराबर एन बटे 2 गुना 62 जमा 8 70, तो ये काट दीजिए आप, 2 एकम 2 35 गुना 70, तो ये आ गया 35 एन बराबर 210, यानी एन का मान आ गया 210 बटे 35, ये भी कट जाएगा, 5 के पहाड़े पे काट सकते हैं हम इसको, 5 सत्ते 35, 5 चौका 20, 5 दूनी 10 और 7 एकम 7, 7 छिक 42, तो एन बराबर 6 आ गया, यानी जो पदों की संख्या आई वो 6 आई। अब हमें प्रश्न में ए एन भी दिया हुआ 62, अंतिम पद ए एन का सूत्र हमने पहले से पढ़ा हुआ है, ए जमा एन माइनस ए ब्रैकेट के बाहर डी बराबर 62, ए हमें दिया हुआ था 8, एन हमने अभी ज्ञात कर लिया 6 माइनस 1, डी का मान जो है वो हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था, बराबर 62 लिख देंगे, हल करके लिखेंगे 8 जमा 6 में से 1 गए 5 डी बराबर 62, तो ये जो 8 लिखा है हमने यहाँ पर ये इधर आके घटा का बन जाएगा, तो 5 डी बराबर 62 माइनस 8 यानी 5 डी बराबर 54 और डी बराबर 54/5, तो ये डी का मान आ गया। देखिए तीसरे प्रश्न का 8वां भाग कर रहे हैं, हमें ए एन अंतिम पद दिया है 4, डी सार्वंतर दिया है 2 और एस एन पदों का योग दिया है -14, एन और ए का मान हमें ज्ञात करना है, तो ए एन का सूत्र देखिए पहले इस्तेमाल कर रहे हैं, ए एन बराबर ए जमा एन माइनस एक ब्रैकेट के बाहर डी, ए एन के स्थान पे 4 लिख दिया हमने, ए जमा एन हमें ज्ञात करना है पता नहीं है, डी का मान दिया हुआ है 2, तो 4 बराबर देखिए ए जमा अगर मैं ब्रैकेट खोल दूं तो 2n-2 आएगा, अब ये माइनस का 2 इधर आके प्लस का 2, 4 जमा 2 बराबर ए जमा 2n, तो यानी 6 बराबर ए जमा 2n, यहां से अगर मैं a का मान निकालूं तो क्या आएगा 6-2n, ये a का मान आ गया, समीकरण 1 लिख लेते हैं। अब हमने दूसरा सूत्र आपको पिछले प्रश्न में बताया है sn का n बटे 2 a जमा an, ये हम कब इस्तेमाल करते हैं जब हमें अंतिम पद दे रखा हो, तो देखिए sn का मान था -14, एन हमें ज्ञात करना है, ए जमा ए एन अंतिम पद दे रखा है 4, ठीक है, तो ये हो गया -14 बराबर एन बटे 2, ए के स्थान पे ए का मान हमने समीकरण 1 में निकाला था, क्या था 6-2n, यहां रख देंगे 6-2n जमा 4, तो ये देखिए -14 बराबर एन बटे 2, 6 और 4 10-2n, अब यहां से 2 कॉमन ले लें दोनों संख्याओं में से, बाहर क्या आएगा 2 कॉमन आ गया, देखिए 5-n बचा तो 2 से 2 कट गया, तो -14 बराबर ये n मल्टीप्लाई कर दीजिए आप अंदर, 5n-n की शक्ति 2, सबको इधर ले आए, n की घात 2 माइनस 5n और -14 बराबर 0, इसके गुणनखंड कर लीजिए आप, तो क्या बनेंगे 7 और 2, बहुत आसान है, 7-2 5 होता है और 7 × 14 n-14 बराबर 0, देखिए अब n की 2 माइनस 7n ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2n-14 बराबर 0, पहले दो पद और अंतिम दो पद इकट्ठे करके लिखेंगे, इनमें से n कॉमन आएगा, n-7 जमा 2 इन दोनों में से कॉमन, n-7 बराबर 0, तो देखिए n-7 और n जमा 2 बराबर 0, दो गुणनखंड आ गए, तो दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे, यानी n-7 बराबर 0 और एन जमा 2 बराबर 0, यहां से तो देखिए -2 आ गया, ये संभव नहीं है, क्यों संभव नहीं है, क्योंकि n का जो मान है वो ऋणात्मक नहीं हो सकता, तो n का मान कितना आया 7, यानी पदों की संख्या आ गई 7, हमें a भी ज्ञात करना था और a का मान हमने समीकरण 1 में लिखा था 6-2n, तो बस यहां n के स्थान पे 7 लिख देंगे हम, तो a बराबर 6-14 यानी a बराबर -8। तीसरे प्रश्न का 9वां भाग कर रहे हैं, प्रथम पद ए दिया हुआ है 3, पदों की संख्या एन बराबर 8 और पदों का योग एस एन बराबर 192, एस एन का सूत्र आपको पता है, बार बार लिख रहे हैं, आपने भी हर प्रश्न में लिखना है ताकि याद हो जाए, एन बटे 2 दो ए जमा एन माइनस एक ब्रैकेट के बाहर डी, एस एन का मान देखिए 192, एन का मान 8/2 दो ए के स्थान पे 3 जमा एन के स्थान पे 8-1 और डी हमें ज्ञात करना है, तो देखिए 192 बराबर ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो 4 आ जाएगा यहाँ बाहर, 3 × 2 = 6 जमा 8 में से गए 7d, तो ये 4 भी अंदर गुना कर सकते हैं आप, 192 बराबर 6 चौका 24 जमा 4 × 7 = 28d, 192 24 इधर आके माइनस का बन जाएगा बराबर 28d,
12 में से 4 गए 8 और 18 में से 2 गए 16, 168 बराबर 28 डी। तो डी बराबर 168 बटे 28 आ गया। देखिए इसको काट सकते हैं आप, 4 के पाड़े में काट लीजिए, 4 सते 28, 4 चौके 16, 4 दुनिया 8 और फिर 7 एकम 7, 7 छी के 42, तो डी का मान आ गया 6। तीसरे प्रश्न का अंतिम भाग है दसवां भाग, इसमें L बराबर 28 दिया हुआ है। L का मतलब है अंतिम पद, यानी AN जो हम लिखते थे वो 28, वही एक ही बात है। पदों का योग SN 144 है और कुल पदों की संख्या 9 है, यानी N बराबर 9 दिया हुआ है। हमें A का मान ज्ञात करना है। तो सूत्र हमने आपको पहले ही बताया कि ये AN का SN के लिए जो पदों का योग का सूत्र है वो एक और हम इस्तेमाल करते हैं, एन बटे दो ए जमा AN। ये तब इस्तेमाल किया जाता है जब हमें AN यानी अंतिम पद दे रखा हो। तो देखिए SN के स्थान पर लिख रहे हैं 144, एन के स्थान पे 9 बटे 2, ए हमें ज्ञात करना है और ए एन हमें दे रखा है 28 यानी अंतिम पद। तो देखिए ये जो 2 है ये इधर आके गुना हो जाएगा इसके साथ, तो ये बनेगा 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 288 बराबर 9 ए जमा 28। ये ब्रैकेट खोल देंगे, 288 बराबर 9 ए जमा, 9 को 28 से गुना करके लिखना, 9 अठे 72 और 9 दुनी 18 और 7 25, 252 आ गया। ये 252 इधर आके घटा हो जाएगा, 288 माइनस 252 बराबर 9 ए। तो जो 9 ए का मान आएगा वो कितना आएगा, देखिए 8 में से 2 गए 6 और 8 में से 5 गए 3, 36। तो ए बराबर 36 बटा 9, काट दीजिए 9 एकम 9, 9 चौका 36, तो ए का मान आ गया हमारे पास 4। तो देखा फ्रेंड्स आपने, ये थे प्रश्नावली 5.3 के तीसरे प्रश्न के छठे भाग से लेकर दसवें भाग तक हमने सभी भाग आपके लिए हल कर दिए। इनमें हमने जो सूत्र अभी तक पढ़े हैं वो AN और SN के दोनों सूत्र पढ़े हैं। आपने इन सभी पार्ट्स को एक बार फिर से अपने आप जरूर करना है ताकि आपको दोनों सूत्रों का प्रयोग करना अच्छे तरीके से आ जाए। वीडियो को पूरा देखना है, लाइक जरूर करना है, कक्षा दसवीं के ज़्यादातर बच्चों के साथ शेयर करना है ताकि सबको अच्छे से समझ में आए और सबको इसका फ़ायदा मिले। वेदिक गुरुज का चैनल अगर अभी तक आपने YouTube से सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत जल्द आपके पास 5.3 के अगले सवाल जब आएंगे तो वो सबसे पहले आपको मिलने चाहिए। इसके लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। हमारी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे होम स्टे सेफ, खूब मन लगा के पढ़िए और जुड़े रहिए वेदिक गुरुज के साथ। बहुत जल्द फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।